एक कार वाला घुसाने पड़ा है। कॉन्फिडेंस आता है कॉन्फिडेंस। भाई बच गए, मैं जानता हूँ कितना बचाऊँ मैं। रोड फाइनली। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय फ्रेश व्लॉग। आज के दिन हम ले की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा स्टेज रहा हमारा पहली बात तो। यहाँ पर देख लिया जैसे आपने, यहाँ पर देखो देखो ये रूम है यहाँ पर एक्चुअली में, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आपको बाद में बताऊँगा। चलो अभी बता ही देता हूँ, हम लोग को ये मिला था मात्र पर पर्सन का 230 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्सेस। मतलब क्या बताऊँ मैं, इतने सस्ते मिल गया। सस्ते में छोड़ो, लेकिन क्योंकि सीज़न नहीं है ना, इसमें पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी। ब्यास नदी है जो जहाँ से बहुत तेज़ से धारा जा रही है। बारिश का मौसम है, ऑब्वियसली बात है, हर एक नदी का बहाव तेज होगा। तो अभी हम लोग निकलेंगे, लेकिन यार ये कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार सामने वाला ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। हम लोग ओल्ड मनाली में है, ATS प्रॉपर्टी का नाम है, ATS मनाली। हॉस्टल्स है, रूम्स है, कैफेज़ है, काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है। यहाँ पर मैं आगे यहाँ पर दिखाऊँगा आपको, पॉसिबल रहेगा तो। नीचे यहाँ पर उनका डाइनिंग एरिया है, प्राइवेट रूम्स हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो काफ़ी अच्छा है। चलो ठीक है, अच्छा स्टे करने के बाद अब हम लोग निकलते हैं सीधे यहाँ से ले की तरफ। अटल टनल हमें जाना है आगे, वहाँ से ये गाइड करेंगे। हमारे पास पूरा मैप है हमें कहाँ जाना है। ये इनका पूरा डाइनिंग एरिया है, बहुत अच्छा है। कल ये हो गई थी इसकी कंडीशन, ये देखो फट गया था। ये कल मैं ऊपर गया था स्टे का पता लगाने के लिए, मतलब स्टे देखने के लिए, ये ऐसे ही लटका हुआ था, सूख रहा था, इसके इंजन से जाके चिपक गया और फिर इंजन ने अपना काम कर दिया। तो गाइस निकलते अपनी जर्नी, अपने फाजिल भाई कह रहे हैं रोहतांग पास चलने के लिए। इनको लग रहा है, इनको लग क्या रहा है, मतलब नहीं आया ना रोहतांग पास के होते हुए अटल पर चले जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अटल बनाया इसलिए गया था ताकि रोहतांग पास को कट कर पाए। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा, मैंने फोटो ले रखी है, कितना प्यारा है। तो गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना, तो ट्रैवल फेड अंडरस्कोर आशीष करके है, फॉलो कर लेना। बस एक चीज़ की दरख्वास्त है या रिक्वेस्ट है, जब देखा करो ना अच्छा लगे जैसे, तो थोड़ा सा ना लाइक जरूर से कर दिया करो, थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाता है, रीच बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि व्हाट्सएप से या कोई एक्सटर्नल ऐप से अगर कोई लिंक लेकर के आता है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, वो काउंट नहीं करता है यूट्यूब में। यूट्यूब के थ्रू जो आता है सर्च करेगा या यूट्यूब में रिकमेंडेड आएगा ना, तो इसीलिए अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब उतना ही उसको लगेगा हाँ भाई वीडियो अच्छा चल रहा है, इसको प्रमोट करते हैं। ये सब तो आप ही कर सकते हो ना। कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा है, यहाँ रुक करके ना फोटो लेने लायक। तो मनाली को करते हैं बाय बाय, ये है मॉल, बाय बाय, अब चलते हैं अपनी तरफ। वो देखो भैया, भैया जी देखो, ये पूरा बर्फ हो जाता है, ऊपर की तो बात ही अलग है। फ्यूल अप करा लेते हैं, पता नहीं आगे कैसा रहे कैसा ना रहे, तो आइडिया नहीं है ना अपने को। पानी एक मिनट रुक जाइए, पानी है। फ्यूल करा लिया, टैंक पूरा फुल, 715 रुपए लगे हैं, मोटा मोटा भाई 700 लेके चलो। अभी आराम में लिख रहा हूँ, आप लोग को बाद में बताऊंगा कि मेरा पूरा खर्चा कितना है, एक एक दिन का, खाने का, स्टे का, हर एक चीज का। और अभी देखो यहाँ पर आ रहा है मजे। रोड अच्छी है, ठंडा है, अच्छा हुआ मैंने पहन लिया जैकेट। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:06 हो रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस पॉइंट पे, वो देखो वाला ब्रिज है, ये जाता है सीधे रोहतांग पास ऊपर सीधे। नंबर दो के व्यू को, एक नंबर का व्यू है, एक नंबर।
ग्रीनरी बगल में, बताओ माउंट स्नो कैप्ड कितना प्यारा लग रहा है। कितनी तो टनल बन गई है। अरे यार सर दिख नहीं रहा है। बहुत ज्यादा टनल हो गई है। सो गाइस वी हैव रीच अटल टनल और हमारे आए नहीं अभी तक फाजिल भाई। सो गाइस 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 अटल टनल हमारा हो चुका है क्रॉस एंड हमें चलना है ले रोहतांग ला काजा। ओके ये जाता है उधर की तरफ, हमें चलना है लेफ्ट में। ले 396 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सिसु वैली भी इधर ही है। गाइस ये वाले जो माउंटेन्स है ना पूरे स्नो से ढके होते हैं और अभी देखो पूरा चेंज है, एकदम शाइन करते हैं आंखों में इतना ज्यादा। और पानी देखो कितना ज्यादा लेवल ऊपर है। ऑब्वियस ही बात है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत तेज से पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स। यहाँ ये पागल नाला था। यस यहाँ गाइस ना बहुत अभी ज्यादा दिन नहीं 10 दिन पहले यहाँ बहुत जबरदस्त पानी बह रहा था। ये देखो ये रहा, ये ऊपर तक आ गया था पूरा का पूरा। लाहौल 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 सिसु सिसु वैली। तो गाइस देखो अपना यहाँ पर कौन आया, अपना दोस्त मिला है यहाँ पर। ये देखो अपना दोस्त अंकल बिस्किट दे दीजिए। गाइस देखो और चीज दिखाता हूँ, एक नंबर दिखेगा। देखो वो देखो कितना प्यारा वाटरफॉल है, कितना प्यारा। पास से दिखाता हूँ ये वाओ एक नंबर नज़ारे रहना स्टार्ट हो जाएंगे। मौसम अच्छा है, जितनी जल्दी क्रॉस कर ले उतना अच्छा है। हाँ सो गाइस हमारी आ चुकी है मैगी एंड चाय, खाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें खाना, तो खाते ही रहना है क्योंकि भूख बहुत जल्दी लगेगी। पानी बहुत पीते रहना है, हार्ट बीट तो ज़्यादा करते रहना है और बाकी नज़ारों के मज़े लेते रहने। एक नंबर के नज़ारे हैं। सो गाइस देखो कभी भी आता हूँ हमेशा के जैसे अपना प्यारा, तो ये है अपना पानी। गाइस वो देखो वहाँ पर ट्रेन भी लगा हुआ है, अंकल यहीं के लोकल हैं। अंकल बता रहे हैं कि वहाँ पर रहना है इस मछली पर, यहाँ पर आगे जाओगे सिसु वैली आगे पूरी जगह पर है, 2,500 रुपए पर डे का, लेकिन यहाँ पर आपको सस्ता मिलेगा और क्या व्यू आएगा नेचुरल एकदम, है ना। चलिए अंकल ओके। हाँ क्या कह रहे हैं। हाँ अभी हाँ हाँ फाइट वाले हाँ ठीक है, ये मेरा भतीजे का। अच्छा ओके 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 भाई भाई दो अलग अलग है हम दो। ओके जमीन भी हमारा है जहाँ मर्जी आप घूम सकते हो। अरे वाह तो साथ में मकान भी है। वहाँ भी दे सकते हो, छत में टेंट लगा सकते हो अगर पास टेंट है आपके पास। बढ़िया है हाँ। आने लायक है यहाँ पर, तो अभी चलते हैं हम लोग निकलते हैं। ओके अरे ग्लव्स, मेरे ग्लव्स तो पहने ही नहीं मैंने, ग्लव्स बिना पहने चल रहा हूँ। काम चल रहा है काम। कितनी मेहनत करते हैं यार ये लोग। अच्छा वाटर को यहाँ पे ला करके कलेक्ट कर लिया गया है, कितना प्यारा। और यहीं पर बगल में टेंट बना देते हैं व्यू अच्छा दिखाने के लिए। टांडी यहाँ से 24 किलोमीटर है, जहाँ हम लोग स्टे करने का प्लान कर रहे थे यहाँ पर भी रह सकता है इंसान। अच्छा है यहाँ पर भी रहना। अक्टूबर नवंबर में आ जाओ, बर्फबारी भी हो जाएगी देख भी लोगे और फिर निकल जाओ अपना। कितना प्यारा लग रहा है, प्यारे के चक्कर में मैं प्यारा ना हो जाऊं। छोटे छोटे वाटरफॉल्स आ रहे हैं, ऊपर बर्फ है ना पिघलते हुए छोटे छोटे आ रहे हैं। गाइस सबसे अच्छी बात ये है ना कि वेदर ने अभी हमारा साथ दे रखा है, लेकिन वही है ना पहाड़ में कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। लेकिन देख रहा हूँ कितना प्यारा, एकदम मेरे बगल से है देखो कितना प्यारा लग रहा है, मैं तो ध्यान भी नहीं दिया। मैं देखते रह जाओ हम लोग कितने छोटे हैं इनके सामने। ऐसी जगह अच्छी लगती है एकदम पहाड़ों के बीच में, फिर नीचे इस तरीके से तो पूरा भर जाता होगा। अभी तो बढ़िया से फार्मिंग हो रही है लेकिन पूरा भर जाता होगा ये 101%।
ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एकदम नेचुरल प्योर। अभी अपने फाजिल भाई ने बहुत गलत काटा है, इस साइड से काट रहे थे, कभी नहीं कर रहा है, कभी नहीं गाइस, कभी भी पहाड़ों पे देख रहे हो नीचे नीचे जाएगा सीधे, कुछ भी हो जाए खुदा ना खास्ता, ठीक है उसकी वो मतलब क्या ही बोलूं, मतलब नहीं काटता है बस, बाएं से तो काटना ही नहीं है। अभी बोलता हूं उनको मैं गाइस, ये छोटी छोटी गलती होती है ना फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए अवॉइड, टोटली अवॉइड, अवॉइड या करना ही नहीं है, अवॉइड ही मत करो। फाजिल भाई, फाजिल भाई, फाजिल भाई, फाजिल भाई लेफ्ट साइड से कट मत करिए, लेफ्ट साइड से कट मत करिए, वो मारने वाला था आपको ट्रक वाला, गलती से मत करना, नीचे नीचे तक हाईवे गलती कभी नहीं करनी है गाइस, कभी नहीं करना, कभी नहीं, कभी नहीं। सो वी आर एट लास्ट पेट्रोल पंप, इसके बाद मतलब आपको जो मिलेगा 330 किलोमीटर अहेड नेक्स्ट पेट्रोल पंप है हमारा, जो कि पड़ेगा आपको ले में। गाड़ी खड़ी है, हेलो गाइस, सब लोग अपना यहाँ कैन भर भर के लेके जा रहे हैं, इवन कार वाला भी भर के जा रहा है। अब आएंगे मजे, चलो चलते हैं ले की तरफ। क्या पॉइंट है यार, कितना प्यारा लग रहा है, इतनी प्यारी जगह है। क्या हुआ, दिक्कत कर रहा है? सो गाइस दिक्कत हो रही थी कैन में, अभी तो सही हो गया है कैन। सो गाइस वी हैव जस्ट क्रॉस दारचा ब्रिज, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। सिंगुलर टॉप गाइस, ये वाला रास्ता है सीधे, हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें यहाँ से मुड़ना है। छोटी वाटर क्रॉसिंग भी आ जाएगी, अरे इससे बोले निकलेगा, ये हमारा पहला वाटर क्रॉसिंग आ रहा है और हम जा रहे हैं उसमें। यस यस, पहला वाटर क्रॉसिंग, मजे आ गए। छोटा था लेकिन इतना टफ नहीं था। ये देखो गाइस, ये नीचे बड़ा प्यारा लग रहा है। ओ हो, देखो गलत काट रहा है, आपने लेफ्ट साइड में करके नहीं काट पा रहा है, वो तेरी साइकिल से। सही है यार, अंकल आ रहे साइकिल से, बताओ। वी आर एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 12,300। So guys, यहाँ पर हो गई दिक्कत, आगे पलट गई है लॉरी, कोई भी इशू नहीं है। चलो 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 चलो, ओके ओके, हाँ इधर से, उधर से, चलो यार चलना पड़ेगा फाजिल भाई को निकालने के लिए, इधर से इधर से इधर से इधर से था, चलो 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 ऊपर लो। ओ भाई पहला पैर तो गया ग्लेशियर में, सो हो गया मैं लखनऊ से। चलो 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 चलो, ओ ओके ओके ओके, चलो 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 चलो, हो चलो चलो चलो, किधर से चला लो, हाँ गाय निकाल लेता ऐसे थोड़ी है, आगे खाली कर दो, फाजिल भाई की गाड़ी निकलवानी है, कटवा दे इनकी, आराम से आ जाती है बस थोड़ा सा, चलो
कैसे मेरा पैर एकदम सुन हो गया है, एकदम पूरा मेरे ऊपर घुटने तक आया है। ये कार वाला घुसाने पड़ा है, वेट नहीं कर सकता है, बाइक को ले जाने दे, अपना घुसाने पड़ा है। होप सो यार इसमें सब लोग सेफ हो, लेकिन ऐसे एक बंदा सेफ ही है, किसी को कुछ हुआ नहीं। वैसे पूरा एकदम पैर सूज गया है, सुन हो गया है। तो फाइनली गाइस हम निकल रहे हैं यहाँ से, इसको भी कर देंगे। नहीं कहना चाहिए यार, इतनी ऑफ रोडिंग नहीं रहेगी तो एडवेंचर करने में या बाइक चलाने का मजा फिर कहाँ से आएगा, इसी में सब तो मजे आते हैं। चलो अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच आते हैं। आ गया छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, छोटा सा वाटर क्रॉसिंग आ गया। ओ तेरी, अरे यार यार ये बंद हो गई, ये कैसे बंद हो गई। गैस हवा बहुत तेज चल रही है, देख रहे हो। मैं उधर से नहीं आया, यहाँ से वो बंदे लोग आ रहे हैं, मैं उधर से आया, वो थोड़ा सा टफ था और मैं टफ वाले से निकाल के आ गया। कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस। चलते हैं भैया, चलते हैं, अभी रुकना नहीं है, रुकेंगे ना तो दिक्कत होगी सांस लेने में। पहले गियर पे निकालनी होगी गाड़ी, बंद मत होना, बंद मत होना, क्लच पकड़े रहो, एक्सेलेटर लिए रहो, गाड़ी बंद नहीं होगी और पहले गियर पे गाड़ी खींचते रहो, हल्का सा लगे कुछ तुरंत क्लच दबा दो, से गाड़ी निकल जाती। ओहो जन्नत। पूछता हूँ भैया से, भैया कौन सा ताल है ये? सूरज ताल, यही है सूरज ताल है गाय, सूरज ताल क्या प्यारा है गाय। सच्ची में पेशेंस नहीं है, अब ये यहाँ से निकाल रहा है, एकदम घुसेड़े पड़े हैं भाई। जगह मिल जाने दो, जाने दो, ऐसा भी कर सकते हो, हम लोग को जगह मिल जाती है हम लोग चले जाते हैं। फाइनली वी आर एट 12 लाचला, एल्टीट्यूड 4850 मीटर्स। ओके पानी देखना पड़ेगा किधर है, पहले गाड़ी को आने दो, आप आगे जाओ पहले गाड़ी आने दो, अभी पता लग जाएगा किधर है। सही है सही है सही, आने दो आने दो आने दो, 20 से आया ये, 20 से सही नहीं है, 20 से ही लाना सही रहेगा मुझे लग रहा है, किनारे से लाऊं क्या। हाँ आ जाएगी आराम से, इनको पहले जाने दो, इनकी गाड़ी निकल जाए पहले, फंसेगी तो निकालेंगे। तेज से छोड़ो नहीं, निकालो निकालो निकालो, छोड़ो नहीं, एक्सीलेटर मत छोड़ो, निकाल दो। रोकना नहीं रोकना नहीं रोकना नहीं रोकना नहीं रोकना नहीं, सही है निकल जाएगी निकल जाएगी। अरे ये रोक देते हैं, रोकना नहीं होता है। सही है निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी, अब निकल जाएगी, अब पहुंच गए। चलो गाइस हमें चलना है, अब हमारी बारी। चलो चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, एक ही बार में निकाल दूंगा मैं तो, ऐसी की तैसी। रोक देते हैं ना बीच में, इसमें तो पानी बहुत ज्यादा ऊपर तक आ गया था, घुटने तक छुआ था इसमें तो पानी।
इतनी मेहनत करने का। अरे भाई 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 माता 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 भाई भाई देख रहे हैं ना गाड़ी आ रही है, लेकिन नहीं फिर भी चलाना है इनको। टफ है टफ है। तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग है तो। इतना तेज आवाज करता है ये। कुछ हुआ है लगता है इसको, कोई दिक्कत है लड़के को। क्या हुआ नदिंग? ओके हैं? आगे कहाँ से आ रहे हो? ले से आ रहे हो? कितना टाइम लगा लिया यहाँ से आ तक आने में? सुबह निकला था 9 बजे। 9 बजे एक्स्ट्रा पेट्रोल है ना? है मेरा तो हो जाएगा आराम से पूरा है अभी। ये जो घाट है ना 21 घाट है। हाँ हाँ वो कौन सा घाट लूप बोलते हैं तो गंदे गंदे वाले घाट हैं, ऐसे घाट मैंने आज तक नहीं देखे। बहुत ज़्यादा टर्न है? टर्न मतलब ये कुछ भी नहीं है, मतलब मैं क्या कहूँ, हर 100 मीटर पे कट है। हाँ वो भी ज्यादा है। जा क्या बात है, कौन से दुनिया में आ गए हम लोग। जबरदस्त जगह है, जो भी है एक गाड़ी एक टाइम पे जाएगी यहाँ पर। ये थोड़ा सा धीरे चलना पड़ेगा, एक बार इसको क्रॉस कर लिया ना, ये देखो घाटा लूप लिखा हुआ है नीचे, एक बार इसको क्रॉस कर लिया तो सही है, क्योंकि सबसे खराब पैच यही है बदान सुनने में आया है। ओहो गजब है भाई, गजब फंस गई गाड़ी। कितना ऊपर जाना है, कहाँ जाना है अभी, कितना ऊपर है अभी। सही है, निकल गया निकल गया निकल गया। हाँ चलो चलो चलो, फाइनली गाइस निकल गए। कम से कम आधे घंटा हम लोग का यहीं पर चला गया। हाँ अभी बहुत ऊपर जाना है। कैसे तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग हो रही है इस समय। वी हैव रीच लाचुंगला पास 16,000। गाड़ी कह रही है बस यार बस करो। ओके ओके ओके, लेकिन ये ऑफ रोडिंग नहीं जा रही है। एक बात तो क्लियर है भाई, नेक्स्ट टाइम से आना होगा ना इस बाइक से तो नहीं आऊँगा साले रोड पे। ये सब बाइक इस पर चलने लायक नहीं है यार। अरे 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 अरे, ये गलत था ये गलत था ये गलत था भाई। बच गए बच गए, मैं जानता हूँ कितना बचाऊँ मैं, इतना सा बचाऊँ मैं, बहुत हल्का था ये यार, तो मानना पड़ेगा। अरे यार, अरे अभी यहाँ तो कितने बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। ओहो अलग ही दिख रहा है भाई व्यू उस समय, ऐसा बज रहा है 7:30 और पीछे आ रही है हमारे थार। क्या बताएं क्या हालत हो रही है। रोड फाइनली 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 अच्छी रोड मिल गई। ओह हे भगवान जो शरीर के पुर्जे हुए उड़े हैं ना जी। अरे बाप रे बाप, अरे भाई आराम से फिर स्लो करना पड़ेगा क्या भाई। कम से कम थोड़ा आराम मिला, लेकिन रोड अच्छी नहीं मिली भाई, लेकिन ना नज़ारे एक नंबर के हैं। मौज आ रही लेकिन राइड करने में, वो अलग बात है कि बॉडी की हालत एकदम ख़राब है।
लेकिन रोड अब थोड़ी सी अच्छी होने लग गई है, बस इसी बात की थोड़ी सी खुशी है। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे तेरी, भाई ये तो एकदम से खतरनाक है, इसमें गाड़ी कैसे निकलेगी? वो कहाँ गया स्कॉर्पियो वाला? ये एडवेंचर इसका अलग चल रहा है, कैसे निकलेगी यहाँ से? चलो यहीं से बुला रहा है ये। चलो भैया ऐसे ही पे चलते हैं। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पांग। अब देख रहे हैं कहां पर क्या रूम मिल जाए सही से। पहुंच गए हैं। ये देखो अपनी आंटी हैं, अंकल हैं, बढ़िया से खाना बना रही। क्या खाने में क्या बना रही आंटी? हम लोग के लिए सब्जी और दाल। हाँ, कितने अच्छे से आंटी खिला रही है, मजे आ रहे हैं। बाकी तो बस गाइस यही है कि आज का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, आज हम लोग पांग पे ही रुके हुए हैं, कल हम निकलेंगे ले, उसके आगे जहाँ पर हमें खारदुंगला नुब्रा। बाकी तो ठीक है, आपको बेहतरीन लगा होगा तो लाइक जरूर से करना, मतलब मज़े तो आए ही होंगे। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी मिलते हैं बढ़िया से अगले और भी एडवेंचरस के। आप देखो क्या होता है, अब तो बस पास ही रहेंगे। तब तक के लिए लिव रिच। We are at an altitude.